नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज़ आप देख रहे हैं। सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया ने 6 नवंबर को केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सीआईसी के प्रमुख के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 63 साल के सामरिया को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। अब इस नियुक्ति पर राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति में विपक्ष के सदस्य और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। साथ ही आरोप लगाया है कि चयन के बारे में उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया। बता दें कि उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि अत्यंत दुख और भारी मन से मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के चयन के मामले में सभी लोकतांत्रिक मानदंडों, रीति रिवाजों और प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने चयन के बारे में न तो उनसे सलाह ली और न ही उन्हें जानकारी दी। चौधरी के करीबी सूत्रों का कहना है कि उन्हें एक बैठक के बारे में बताया गया था, लेकिन बाद में तारीख में बदलाव कर दिया गया था, जिसके कारण उन्हें अपने सभी कामों को फिर से शेड्यूल करना पड़ा। केवल ये पता लगाने के लिए कि सीआईसी के नाम की घोषणा की गई है, इसके लिए उन्होंने कोलकाता की अपनी यात्रा स्थगित कर दी, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं बताया गया। सूचना का अधिकार नियम 2005 के मुताबिक सीआईसी और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, और इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। बता दें कि चौधरी ने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में उनके कार्यालय से संपर्क कर समिति की बैठक के लिए उनकी उपलब्धता मांगी थी। उनके कार्यालय ने उन्हें सूचित किया था कि वे 2 नवंबर तक दिल्ली में उपलब्ध हैं और उन्हें 3 नवंबर को पूर्व निर्धारित बैठक में भाग लेने के लिए पश्चिम बंगाल जाना है। हालांकि चौधरी को DOPT से एक पत्र मिला जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि समिति की बैठक 6 नवंबर को शाम 3 बजे होने वाली है। इसके बाद उन्होंने कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर बैठक को पुनर्निर्धारित करने का आग्रह किया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें SPN9।